बेशक सभी का किस्मत एक जैसा नहीं होता है, लेकिन एक टैरो कार्ड किस्मत बदलने में सहायक हो सकता है। एक सही मार्गदर्शन हमारे भविष्य को उज्जवल बना सकता है। जानिए ओशो टैरो कार्ड के द्वारा किस्मत कनेक्शन और ओशो टैरो कार्ड के मार्गदर्शन मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ BCN न्यूज चैनल पर। नमस्कार, BCN न्यूज के भविष्य मार्गदर्शन में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जिस तरीके से हमेशा ही हमारे एपिसोड में हम आचार्य जी से बहुत सारी बातें करते हैं और वो हमें हमेशा आपके सवालों का जवाब देते हैं, साथ ही किस भी राशि में या फिर उनके भविष्य के लिए क्या चीजें सही रहेगी, क्या चीजें गलत रहेगी, इसके बारे में भी आचार्य जी हमें हमेशा ही बताते हैं। तो सर्वप्रथम फिर एक बार आपका स्वागत है आचार्य जी। कहीं ना कहीं हमेशा हम लोग जब राशि की बात करते हैं तो उसमें बहुत दफा हमको ये भी सुनने को मिलता है कि राशि के लिए उसका एक अपना पसंदीदा कलर या फिर लकी कलर हम कह सकते हैं जो होता है। आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस राशि के लिए कौन सा लकी कलर जो होता है वो, उस बारे में। देखिए, हमारे जैसे सभी को मालूम है आज के डेट में कि हमारे 12 राशियां हैं, 12 राशियों के अमुक अमुक स्वामी हैं। पहला राशि आता है अपना मेष राशि। मेष राशि पहला राशि मंगल का राशि है और इनमें नेतृत्व करने का स्वभाव होता है। उसमें उच्च ग्रह सूरज होता है, नीच का ग्रह शनि होता है। लेकिन मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना और अपने नेतृत्व करने पे स्किल्स को और उभारना उनको जरूरी है। और मेष राशि वालों के लिए लकी कलर रहेगा लाल, सैफरन यानी गेरुआ रंग, लाल रंग उनके लिए लकी कलर रहेगा। येलो भी उनके लिए लकी है मेष राशि वालों के लिए। देखिए, मेष राशि वालों के लिए पूजा करने के लिए वो भगवान कार्तिकेय, भगवान शंकर के जो पुत्र हैं कार्तिकेय भगवान, उनका पूजा करें, हनुमान जी का पूजा करें, भगवान शंकर का पूजा करें। और कोई भी गुरु यानी साईं बाबा, गजानन बाबा या कोई अपने जो गुरु मानते हैं उनका पूजन भी उनके लिए श्रेष्ठ रहेगा मेष राशि वालों के लिए। और मेष राशि वालों के लिए लकी डे रहेगा संडे, ट्यूजडे और थर्सडे। देखिए, हम अभी ये राशियां डिस्कस कर रहे हैं, जनरलाइज्ड बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम मेष राशि वाले सब हैं तो ये करें, क्योंकि उनके पत्रिका में अगर लगन उनका अलग रहा तो अलग अपना भविष्य कथन होता है। अच्छा। लेकिन ये राशि के लिए है, कृपया मैं दर्शकों से यही बोलूंगा कि राशि के लिए फॉलो करें। लगन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे तो लगन, मेष लगन या वृश्चिक लगन जब आता है या कन्या लगन आता है उसका भविष्य कथन अलग रहेगा। ये सिर्फ राशि वालों के लिए, जनरल राशि वालों के लिए। ओके। तो मेष राशि के लिए ये इतना जो बताया इसके लिए वो लकी रहेगा इनके लिए। हाँ जी, अगली राशि की ओर बढ़ते हैं आचार्य जी, उस बारे में आप क्या बताओगे। देखिए, दूसरा राशि अपना वृषभ राशि है। इस राशि का स्वामी है शुक्र। इसमें उच्च का ग्रह है चंद्रमा। इसमें वृषभ राशि वालों को कैसा है, मेहनत वाले लोग रहते हैं, कोई भी काम लेते हैं हाथ में तो पूरा मन लगा के करते हैं, लेकिन आलस से थोड़ा दूर रहना चाहिए इन लोग को। थोड़ा टाइम टाइम पे थोड़ा सा आलस इनके ऊपर छा जाता है, वो आलस को दूर कर लें तो ये टारगेट पकड़ के काम करते हैं, सिंसियर होते हैं और ये काम हाथ में नहीं तो पूरा करते हैं उसको, ठीक है। और वृषभ राशि वालों के लिए लकी कलर रहेगा व्हाइट और लाइट ग्रीन, ये इनके लकी कलर रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए। और इनके लिए लकी डे रहेगा फ्राइडे, सैटरडे और वेडनेसडे, शुक्रवार, रविवार और बुधवार। और इनके लिए कैसा, माता लक्ष्मी का पूजन करना, शनिदेव का पूजन करना और भगवान शंकर का पूजा करना इनके लिए बहुत शुभदायी रहेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं इनको आलस से जो है वो आलस इनके काम पर अफेक्ट कर देखिए कैसा है, वृषभ राशि आकर शुक्र का है, चंद्रमा उच्च का है, तो वृषभ राशि वालों में कैसा हिम्मत बहुत रहता है, धैर्य बहुत रहता है काम करना, लेकिन इन लोग को थोड़ा सा लकी गो इजी गो पर्सन रहते हैं, इजी गो माने रिलैक्स करके आराम से काम हो रही है। ज्यादा रिलैक्स करने से आपको तो मालूम है काम अड़ते हैं अपने। हाँ। ज्यादा रिलैक्स नहीं करना, एक गोल ओरिएंटेड होकर काम करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे जीवन में। आचार्य जी, अगली राशि की ओर रुख करते हैं, आप क्या बताएंगे अगली राशि वालों को। देखिए, अगला राशि है अपना मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि यानी क्या है, मिथुन राशि में देखिए आप, उसके अंदर एक स्त्री और एक पुरुष, ठीक है। इसमें क्या रहता है, ये दोनों गुण दिखाते हैं, एक नेगेटिव पॉजिटिव, और इसमें अपना एनर्जी भी रहता है और इसमें थोड़ा डिविएशन भी रहता है। तो इनको क्या करना है, मिथुन राशि वालों को चंचलता को दूर करना है। अच्छा। चंचलता को दूर करके ध्येय और अपना लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर, इनके लिए कभी भी अपना कंफ्यूजन नहीं करना, ये बात बात पे अपना निर्णय बदल सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा इन्होंने काबू करना चाहिए। अच्छा, ठीक है।
इनके लिए लकी कलर रहेगा ग्रीन कलर और लाइट येलो कलर इनके लिए लकी रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए। और इन्होंने भगवान विष्णु का पूजा करना है, भगवान कृष्ण का पूजा करना है, और अश्विनी कुमार नाम के अपने देवता आते हैं हमारे वेद पुराणों में, जो दवाइयों और अपने कलाओं के स्वामी हैं भगवान, तो उनका पूजा करना इनके लिए श्रेयस्कर रहेगा। शनिदेव का पूजा करना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। माता लक्ष्मी का पूजा करना इनके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए। और इनके इनके लकी डे रहेगा बुधवार शुक्रवार और शनिवार। तो ये थी बात मिथुन राशि वालों के लिए, कहीं ना कहीं दोनों भी साइड दिखाते हैं मिथुन राशि वाले। आगे बढ़ते हैं अगली राशि की ओर आचार्य जी। देखिए अगला राशि है अपना कर्क राशि है, जिसका स्वामी है चंद्रमा, और जिसके अंदर उच्च का ग्रह है गुरु और जिसके अंदर नीच का ग्रह है मंगल। देखिए कर्क राशि वाले बहुत उच्च कोटि के लोग रहते हैं, एक बार उन्होंने मन में ठान लिया तो करते हैं। और इसमें कर्क राशि में बहुत अच्छे अच्छे नेता, बहुत अच्छे अच्छे समाज सेवक पैदा होते हैं। अच्छा। कर्क राशि इसीलिए क्योंकि चंद्रमा का अपना नक्षत्र रहता है, अपना राशि रहता है, तो चंद्रमा को विशेष बल मिलता है इस राशि में। और कर्क राशि वाले भावनात्मक भी होते हैं, अपने दिल से निर्णय लेते हैं, लेकिन समय पे थोड़ा सा इन्होंने कार्य को दो बार सोचना, दो बार उस पे निर्णय लेना करते हैं, वो शायद ज्यादा होने से उनको प्रॉब्लम होता है। अच्छा। कर्क राशि वाले और कर्क राशि वाले बार बार भावनात्मक होना जरूरी नहीं है, भावना होना जरूरी है जीवन में, लेकिन बार बार भावनात्मक होने से क्या होता है, उन्होंने अपना जो जीवन में जो लक्ष्य भेदना है या अच्छा। पाना है उसको थोड़ा सा दूर होता है उससे, पहली बात। और दूसरा कैसा है, कर्क राशि वालों के लकी कलर रहेगा व्हाइट येलो और लाइट ब्लू, और इनके लिए लकी डेज रहेंगे सोमवार मंगलवार और गुरुवार। ओके हाँ, मतलब कहीं ना कहीं इन्हें भावनात्मक तो खैर रह सकते, पर ज्यादा भावनात्मक रहना इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगली राशि की और आप क्या बताएंगे। देखिए अगला राशि अपना सिंह राशि, जैसे आपको मालूम है सिंह राशि आने वो शेरी होता है, बहुत जाबाज होते हैं और बहुत ही कमांडिंग रहते हैं, नेतृत्व का स्वभाव रहता है, दिलदार भी होते हैं, लेकिन सिंह राशि वाले अड़ना नहीं चाहिए, अड़ जाते हैं ये लोग। अगर ये लोग को समझो कोई चीज अच्छा लगा तो अच्छा लगता है, कोई विरोधी पक्ष वाले कुछ बोल दिए अड़ जाते हैं, अड़ना नहीं चाहिए। और ऐसा देखा जाए तो बहुत दिलदार रहते हैं, नेतृत्व करते हैं, लोगों को लेके चलते हैं, बहुत अच्छा इनका स्वभाव रहता है। इन्होंने जल्दी से लोगों को माफ कर देते हैं, लेकिन अपने आप को भी माफ करना सीखना चाहिए, क्योंकि कभी अपने कोसते ज्यादा अपने आप को, ये कोसना नहीं चाहिए। हाँ कोसना नहीं चाहिए, जैसे दूसरों को माफ करते अपने को माफ करते चलता है, ये भी जीवन में करके चलना चाहिए। दूसरा इनके लिए लकी कलर रहेगा येलो कलर, गेरुआ रंग सैफरन जिसको बोलते हैं वो कलर अच्छा रहेगा, गोल्डन येलो भी अच्छा रहेगा इनके लिए। और इनके लिए पूजा करने लायक भगवान है सूर्य भगवान, जिनके स्वामी है स्वयं सूर्य भगवान को पूजा करे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाए रोज नहाने के बाद, और भगवान शंकर की पूजा करे, भगवान नारायण की पूजा करे, इनके लिए बहुत श्रेष्ठ फल मिलेगा। ओके ये थी सिंह राशि वालों के लिए बात, कहीं ना कहीं उन्हें भी मतलब लोग जैसे वो दिलदार होते हैं वैसे दिलदार तो वो रहने चाहिए, पर अपनी चीजों पर अड़िंग रहना कहीं ना कहीं इसमें उनको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना सीखना चाहिए। आचार्य जी अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, क्या बताएंगे आप। अगला राशि देखिए कन्या राशि, कन्या राशि वाले ऐसे भावनात्मक होते हैं, इनमें थोड़ा चंचलता भी होता है, और इनमें कैसा बहुत सारी चीजें जानने की उत्सुकता रहता है, ये बहुत सारी चीजें जानने की उत्सुकता में क्या है, जो चीज जानना है वो छूट जाता है अक्सर, क्योंकि बिकॉज टू मेनी कुक्स स्पॉइल द डिश बोलते हैं। हाँ। उसी प्रकार से बहुत सारा अगर आप जानना चाहते हो, बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा करना चाहते हो, तो आपको जो पाना है पहले वो पा लीजिए, फिर बाद में दूसरा नॉलेज आपके लिए रहता है। और क्या होता है इनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या रहता है, ये सब परफेक्शनिस्ट है, इनको परफेक्शन चाहिए रहता है हर चीज, अगर परफेक्शन नहीं मिला तो उसको क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं, उसके अंदर कमियां निकालना शुरू करते हैं। अक्सर कन्या राशि वाले बॉसेस बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन उनके जो नीचे स्टाफ काम करते हैं उनको थोड़ा उनसे क्रिटिसिज्म से डर लगता है, तो वो क्रिटिसिज्म थोड़ा सा कम करना चाहिए, दूसरे के खामियों को एक्सेप्ट करके चलना सीखना चाहिए कन्या राशि वाले, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। और कन्या राशि का स्वामी बुध है, बुध इनके इनके राशि में बुध अपने स्वस्वामी उच्च ग्रह है बुध इनके लिए, और इनके राशि में नीच ग्रह शुक्र है, और इनके लिए गुस्सा ज्यादा करना, छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाना मना है, नहीं करना चाहिए। और इनके लिए लकी कलर रहेगा ग्रीन कलर, और इनके लिए लकी डेज रहेंगे फ्राइडेज यानी शुक्रवार बुधवार और रविवार इनके लिए अच्छा रहेगा। ये थी बात कन्या राशि वालों के लिए, आइए जानते हैं अगली राशि के बारे में आचार्य जी क्या कहते हैं। देखिए अगला राशि अपना तुला राशि,
तुला राशि शुक्र का राशि है और इसमें उच्च का ग्रह शनिदेव, जैसा तुला बोला जाए, तुला किसको, तराजू को बोलते हैं। हाँ। तराजू यानी न्याय का प्रतीक है, बैलेंस है, उसीलिए शनिदेव इसके अंदर उच्च के हैं, क्योंकि शनिदेव न्यायप्रिय हैं, तो उसीलिए तुला राशि के अंदर शनिदेव का उच्च स्थान पाना ही ये दिखाता है तुला राशि वाले न्यायप्रिय रहते हैं, सबको लेके चलना, सबके साथ चलना रहता है। लेकिन इनको कैसा है, थोड़ा लग्जरी की ओर ज्यादा रहता है इनका, कंफर्ट की ओर ज्यादा रहता है तुला राशि वाले, और इन्होंने लग्जरी एक जो वेवलेंथ है उसको अगर छोड़ देते हैं तो बहुत आगे बढ़ते हैं जीवन में, इनका लक्ष्य आराम से मिलता है। लेकिन हालांकि तुला राशि वाले कैसा, थोड़ी थोड़ी बात पे संकोच करते हैं, उनको एक खुल के चलना, खुल के जीना वो सीखते हैं, बाद में जीवन में सीखते हैं, लेकिन शुरुआत में इनको नहीं आता है, तो थोड़ा संकोचवादी बनना कम करना चाहिए। अच्छा। और रही बात तुला राशि वालों के लिए, जो लकी कलर होता है वो होता है व्हाइट और थोड़ा सा लाइट पर्पल जिसको बोलते हैं, इनके लिए लैवेंडर जिसको बोलते हैं, इनके लिए लकी कलर है तुला राशि वालों के लिए। और इनके लकी डेज है फ्राइडे, शुक्रवार, शनिवार और बुधवार इनके लिए लकी है। अच्छा। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं तुला राशि वालों को संकोच करना नहीं चाहिए, ये चीज अगर वो सीख ले तो बहुत ज्यादा फायदा उनको हो सकता है। तुला राशि वालों की थी बात, आचार्य जी से जानते हैं अगली राशि के बारे में वो क्या कहते हैं। देखिए अगली राशि अपनी वृश्चिक राशि है, ये वृश्चिक राशि भी मंगल का राशि है, इसके अंदर उच्च का ग्रह, ऐसा कई विद्वान मानते हैं, केतु इसका उच्च ग्रह है, नीच का ग्रह है चंद्रमा इसके राशि में, और इसका स्वामी है मंगल, तो इनके लिए लकी कलर रहेगा रेड कलर और पिंक कलर, इनके लिए बहुत लकी है। व्हाइट थोड़े हद तक का चलता है लेकिन अवॉइड करें तो अच्छा है, पिंक और लाल रंग का इनके लिए बहुत लकी रहेगा, येलो भी इनको चलता है। लेकिन देखो इधर हम लोग थोड़े से गुण का बारे बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए, वृश्चिक राशि वाले थोड़े से डिटर्मिनेशन यानी उनके लिए धैर्य रहता है, साहस रहता है और हिम्मत वाले बहुत रहते हैं, कोई अच्छा। भी काम को अंदर घुस के उसको ठीक करना उनको आता है, इनमें सहनशीलता होना जरूरी है, सहनशीलता की कमी होती है वृश्चिक राशि में, और एक आध बार दे टेंड टू वो बहुत सारे बहुत श्रूड बॉस बनते हैं, श्रूड बॉस है कैसा, बहुत निष्ठुर बन जाते हैं, भाई ऐसे होना तो ऐसे होना, थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा सा दया करना सीखना चाहिए, थोड़ा सा कट्टरपंथी जो इसको बोलते हैं कट्टर, हमको ऐसे होना ये कम करना चाहिए, वो ऐसा करने से वो लोग बहुत अच्छे एक बॉस बनते हैं, अच्छे नेतृत्व के गुण रहते हैं, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं ये लोग वृश्चिक राशि वाले, और अच्छे सीबीआई में काम करना, सीबीआई में काम करने का इनका नेतृत्व करने का योग रहता है। और लेकिन इनके लिए कैसा है, थोड़ा सा आध्यात्म की ओर रुचि ज्यादा रहता है वृश्चिक राशि वाले, आध्यात्म पे जब जाते हैं ये तो इन्होंने बराबर अपना एक लक्ष्य तय कर ले कि मेरे को ये पूजा करना ऐसा करना, तो वृश्चिक राशि वाले कैसे बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत उनके सामने बहुत मार्ग रहता है कि हम ये भगवान का ये पूजा करना, ये व्रत करना, ये पूजा करना, वो नहीं करते हुए अपना ध्येय निश्चित करके वो व्रत वो पूजा करें, डाइवर्टेड रहते क्योंकि इनके सामने बहुत रस्ते बहुत रहते हैं, एनर्जी बहुत रहता है, रस्ते बहुत रहते हैं, तो उनको लगता है ये भी करना वो भी करना, यस बिल्कुल। और दूसरा कैसा है, इनके लिए जो लकी कलर है वो पिंक और हमने रेड बोला, और इनके लिए लकी डेज रहेगा अपना मंगलवार, रविवार और सोमवार, इनके लकी डे रहेगा, और इन्होंने भगवान शंकर की पूजा करना चाहिए, भगवान गणपति की पूजा करना चाहिए और दुर्गा मैया का पूजा करना चाहिए, इनके लिए बहुत लकी रहेगा इन भगवानों का पूजा करना। आगे बढ़ते हैं अगली राशि वालों की ओर आचार्य जी। ठीक है, अगला राशि है अपना धनुराशि, जिनके स्वामी है गुरु यानी बृहस्पति। धनुराशि वाले अपने ध्येय को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं, अपना काम काज अच्छे से निभाते हैं, लेकिन भावनात्मक होना इनके लिए कभी कभार हानिकारक हो सकता है, भावनात्मक बात बात पे नहीं होना चाहिए, और इन्होंने धनुराशि वालों ने गुस्सा कम करना सीखना चाहिए, और धनुराशि वालों को ज़्यादा उसके जो भी चीज़ को लेके बात करना, कन्विंस करना अच्छा लगता है, लेकिन किधर कितना बात करना कितना नहीं बात करना इन्होंने निर्णय करके चले तो इनके पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। धनुराशि वाले के लिए लकी कलर रहेगा येलो कलर, ऑरेंज कलर यानी पीला रंग और अपना गेरुआ रंग इनके लिए अच्छा रहेगा। इन्होंने व्हाइट अगर अवॉइड करते हैं तो अच्छा है धनुराशि वालों के लिए, शुक्रवार के दिन खास करके। और देखिए धनुराशि वालों के लिए भगवान शंकर गुरु यानी कोई गजान बाबा हो गए, स्वामी समर्थ भगवान हो गए, एक साई बाबा हो गए, दत्तात्रेय भगवान हो गए, इनका पूजा करना श्रेष्ठ रहेगा। गुरु भगवान शंकर का पूजा करना, भगवान नारायण का पूजा करना, सूर्यदेव का पूजा करना इनके लिए श्रेष्ठ रहेगा धनुराशि वालों के लिए। ओके, तो ये थी धनुराशि वालों के लिए बात, अगली राशि की ओर बढ़ते हैं आचार्य जी। देखिए अगला राशि है अपना मकर राशि, जो शनिदेव का है, जिसके अंदर अपना मंगल भगवान उच्च के बैठते हैं और गुरु बृहस्पति नीच के होते हैं,
और मकर राशि जैसा बोलते हैं कि ये लोग कभी भी शिखर पे पहुंचना यानी टॉप पे पहुंचने का इनको एक ध्येय रहता है, कोई काम पकड़ते तो उसको करते जाते। लेकिन मकर राशि वाले जिद नहीं करें, हट त्याग दे, गुस्सा त्याग दे, जिद त्याग दे, तो इनके जितना अच्छा व्यक्ति कोई नहीं होता। मतलब जिद्दी बहुत ही होते हैं। जिद्दी वैसा बोलना गलत है, लेकिन जिद होता है इनमें। हाँ। किसी को नामांकित करना ऐसे भाई जिद्दी होते करके बोलना गलत बात है, लेकिन इन्होंने अगर जिद त्याग दें, सर एक्सेप्टेंस ले ले भाई हमको ऐसा करना है, तो वे टॉप पे पहुंचते हैं और कोई भी काम हाथ में लेते हैं तो उसको पूरा करे बगैर नहीं लौटते हैं और वफादार होते हैं, निभाते हैं लोगों से। लेकिन अगर समझो इनके पत्रिका में, इन लोगों के पत्रिका में मंगल बिगड़ा हुआ है, सूरज बिगड़ा हुआ है, तो बात बात पे इनको गुस्सा आना होता है, तो इसके लिए इन्होंने थोड़ा सा अपने गुस्से पे नियंत्रण पाना है। और दूसरा, मकर राशि वालों के लिए लकी दिन रहेगा शनिवार, शुक्रवार, बुधवार, इनके लिए बहुत अच्छा है मकर राशि वालों के लिए। और मकर राशि वाले शनिदेव को पूजा करें, भगवान भैरव को पूजा करें, भगवान हनुमान जी का पूजा करें और माता पार्वती का पूजा करें, तो इनको बहुत श्रेयस्कर अच्छा रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं थोड़े से जिद्दी होते पर ये सारी चीजें उन्हें हेल्प करती है, बस उसको कंट्रोल में रखना, ये उनका काम है। आचार्य जी अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगली राशि अपनी कुंभ राशि, ये भी शनिदेव का राशि है और शनिदेव का मूल त्रिकोण है। इस राशि के अंदर कोई उच्च या नीच का ग्रह नहीं रहता, लेकिन शनि का मूल त्रिकोण राशि है ये। कुंभ राशि वाले बहुत ही सिक्योरिटी होते हैं, कुंभ राशि वाले बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं और अपना काम अपने से निभाने का एक गुण रखते हैं, और कुंभ राशि वाले चाहते हैं कि सबको लेके मिलके लेके चले करके, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि परिवार सब मिला रहना, खुश रहना, अच्छा रहना करके, ये अच्छी बात है। लेकिन इसके अंदर कभी कभार इनको क्या लगता है, हमारी जो बातें हैं हम तक का ही सीमित रहें करके इनका एक मानना रहता है, तो इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके आप सबको अपना मान के चलेंगे तो इस कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। और गोल ओरिएंटेड रहते हैं ये, लेकिन इनके इसमें कैसा रहता है, इनको अपने भावनाओं के वजह से कहीं ना कहीं छोटी छोटी बात को ये बुरा मान जाते हैं, कहीं कहीं कोई बंदा किसी और कारण के लिए इनसे बात करता है तो इनको किसी और कारण से उसको मतलब निकाल के इनको बुरा लगता है, तो वो बुरा लगने का टेंडेंसी थोड़ा इनके राशि में रहता है, उसको थोड़ा सा इन्होंने इनको ठीक करना है उसको, ठीक है। और रही बात इनके लिए लकी डे जो रहता है, शनिवार रहता है इनके लिए, शुक्रवार इनके लिए अच्छा रहता है और गुरुवार इनके लिए अच्छा होता है कुंभ राशि वालों के लिए। और इन्होंने पूजा करना भगवान शंकर, भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी का इनके लिए पूजा बहुत श्रेयस्कर रहेगा। ये थी बात कुंभ राशि वालों के लिए, आइए जानते हैं अगली राशि के लिए आचार्य जी क्या कहते हैं। देखिए अगला राशि अपना मीन राशि और आखिरी राशि है। मीन राशि आकर गुरु का राशि है और मीन राशि के अंदर अपना शुक्र उच्च का है, बुध नीच का है, तो मीन राशि वाले कभी भी भावनात्मक ज्यादा नहीं हो और कोई भी चीज लें तो चंचलता दूर करें, उसके अंदर कोई चीज कोई भी काम हाथ में लें तो उसको पूरा करने का एक उसके अंदर एक गतिशील बनाए रखें और चंचलता दूर रखें, भावनात्मक बार बार होना जरूरी नहीं है जीवन में, और कभी भी इन्होंने अपने हित का सोचकर काम करें, क्योंकि ये क्या करते हैं मीन राशि वाले, सबका भला करते हैं, साथ में अपना भी करें, अपने लिए भी काम करें, नहीं तो ऐसा है कि बहुत सारा आप दूसरों के लिए करते हैं, आप अपने लिए सोचना भूल जाते हैं, तो मीन राशि वाले अपने बारे में सोचे, समाज का तो सोचते हैं आप, अपने बारे में भी सोच के चले तो अच्छा है मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए भगवान हैं गुरु, अपना दत्तात्रेय भगवान हो गया, भगवान विष्णु हो गए, भगवान शंकर हो गए, हनुमान जी को पूजा करेंगे तो मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। और इनके लकी डे रहेगा गुरुवार, मंगलवार और सोमवार, मीन राशि के लिए बहुत लकी रहता है। तो ये सारी थी अब तक राशियों की बात। दर्शकों जिस तरीके से हर हमारे एपिसोड में हम आचार्य जी को आपके जितने भी सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए आते हैं उन सवालों का जवाब आचार्य जी देते हैं, और इसी श्रृंखला में आज भी हमारे साथ हमारे पास बहुत सारे सवाल जो है आए हैं। आचार्य जी शुरू करते हैं ये प्रश्न उत्तर की जो श्रृंखला है हमारी उसको। सबसे पहला सवाल जो है आशीष मोहरले इनका है। अच्छा जी, 8 में 89 ये इनकी जन्म तारीख है, 8/5/89। और इनका सवाल ये है कि इन्हें अच्छी नौकरी और इनकी शादी कब होगी। नवासी, हाँ जी, इनका प्रश्न क्या है।
इनको अच्छी नौकरी और इनकी शादी कब होगी? हाँ जी, देखिए अभी इनको अच्छी नौकरी लगने के लिए अभी इनको अप्रैल के बाद इनको अच्छा नौकरी लगेगा, और इनके शादी के लिए भी अप्रैल के बाद इनको अच्छा समय आ रहा है। अच्छा, हाँ अच्छा समय आ रहा है, इनको जरूरी है अच्छी नौकरी और अच्छा शादी, अच्छी जगह पे शादी होने के लिए इन्होंने क्या करना, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में मीठे बूंदी का प्रसाद चढ़ाना, तो इनको शादी भी अच्छी जगह पे होगी और इनकी नौकरी भी अच्छी जगह पे लगेगी। जरूरत है इनको, अगर नौकरी बहुत सारे बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो पानी में थोड़ा सा हल्दी डालकर रोज नहाएंगे तो इनको नौकरी का भी जल्दी ये बन जाएगा। ओके, ये थी आशीष जी आपके सवाल का जवाब। इसके बाद जिया मोहर, इनका सवाल है। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ क्या? 3 जुलाई 2006। हाँ जी, इनकी परीक्षाएं हैं और इनका सवाल ये है कि इनकी परीक्षा का जो रिजल्ट रहेगा वो कैसा रहेगा? देखिए काफी इनको क्या विद्या अर्जन में थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, मेहनत तो बहुत करते हैं ये बहुत अच्छा, रात रात भर के पढ़ाई करना, मेहनत करना, ऐसा इनका गुण है, लेकिन जितना ही मेहनत करते उतना इनको फल नहीं मिल पाता पहला, और दूसरा कैसा है, इन्होंने जो एग्जाम के बारे में पूछा है, एग्जाम में फल अच्छा ही मिलेगा, बशर्ते इन्होंने समझो एक 90-95 रखा है टारगेट, तो 95 नहीं मिलते थे, 88-89 तक का आएगा टारगेट इनका, थोड़ा सा कम एवरेज टू थोड़ा सा कम आएगा। अगर समझो अभी परीक्षा तो अभी काफी दूर है, 2-3 महीना है परीक्षा के लिए, इसमें काम क्या कर सकते हैं, इन्होंने क्या करना चाहिए, काले चने का उसल बनाकर भगवान शंकर को या भगवान शनिदेव को शनिवार के दिन प्रसाद चढ़ाना चाहिए, इससे इनको जो काम में दिक्कत, पढ़ाई में दिक्कत आ रहा है उससे इनको राहत मिलेगा और इनको अच्छे मार्क्स मिलने का योग बनता है, बशर्ते इनके पत्रिका में कैसा शनि मंगल का योग है कर्क राशि के अंदर, तो इन्होंने कैसा रोज एक बार नहीं तो दो बार, कम से कम मिनिमम दो बार इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, तो इनको काम काज में भी सिद्धि मिलेगा, पढ़ाई जो कर रहे हैं उसमें भी सिद्धि मिलेगा। ये था जिया मोहर आपके सवाल का जवाब। इसके बाद प्राची खासे, इनका सवाल है और 19 अक्टूबर 2002 इनकी जन्म तारीख है। हाँ जी, और इनका सवाल ये है कि शिक्षा के योग इनके कितने हद तक बनते हैं, मतलब शिक्षण कहाँ तक करेंगे, ये उन्हें ये जानना था। देखिए पहली बात कैसा है, अभी जिनका डेटा है अपने सामने सिर्फ उनका डेटा भरते, हाँ, ना इनका टाइम ऑफ भरते ना प्लेस ऑफ भरते, तो हम जो भी बताएंगे आपको चंद्र कुंडली से बताएंगे। ओके, हाँ चंद्र कुंडली से, जैसा ये पूछ रहे कि शिक्षा का योग कैसा है, देखिए चंद्र कुंडली से इनका शिक्षा का योग बहुत अच्छा बनता है, बहुत उच्च कोटि की पढ़ाई करेंगे। अगर हमको तो देखो मालूम नहीं कि कौन से क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो उसके अंदर इनको पीएचडी लेवल तक का जाने का योग बनता है, अच्छा पढ़ाई करेंगे तो अच्छा मन लगा के पढ़ाएं, पीएचडी लेवल तक का जा सकते हैं ये, और इनको अपने टीचर से, अपने गुरुओं से, अपने पिता से बहुत सहायता मिलने का योग बनता है। थोड़ा सा इनको कैसा है, पत्रिका के अंदर बुध और चंद्र का योग बनता है, कन्या राशि के अंदर भद्रयोग का निर्माण तो होता है, लेकिन भद्रयोग का कैसा मंगल वहां पे रहने से थोड़ा सा उसमें कुंदित हुआ है, तो इसके लिए क्या करें, इन्होंने मंगलवार के दिन मसूर का दाल भिगाकर गुड़ के साथ गाय को खिला दे, 5 मंगलवार करें, इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे उससे। अच्छा, इसके बाद किरण पाटिल, इनका सवाल था। हाँ जी, और इनका डेट ऑफ बर्थ है 26/2/96। हाँ, क्या प्रश्न था इनका? और इनका सवाल ये है कि इन्हें खुद का घर बनाना था, तो ये जो घर का काम है ये कब तक पूरा होगा? देखिए घर जो इनका कोशिश कर रहे बनने का, थोड़ा सा काम अभी चालू होगा, काम अब इनका, इनका घर बनकर अगले अप्रैल यानी 2023 अप्रैल के पहले इनका घर बन के तैयार हो जाएगा, अगर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है तो इनका घर बन के तैयार हो जाएगा। इसके लिए जरूरी है इनको रोज सूरज को जल चढ़ाना है, और इन्होंने अपने पिताजी अगर साथ हैं तो पिताजी का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर जाएं,
या फिर भगवान शंकर के मंदिर जाकर सोमवार के दिन इन्होंने पंचामृत से भगवान शंकर का अभिषेक करने से इनका जो घर का जो जो भी परिस्थिति हुआ है, काम करने का वास्तु संबंधित जो भी दोष है वो दूर होगा, इनका अच्छे से निर्माण होने का योग बनता है। इसके बाद करुणा कामड़े इनके सवाल का जवाब। हाँ जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 14/12/62। हाँ जी, और इनका कहना है कि इनकी जो तबीयत है, इनका स्वास्थ्य ये ठीक नहीं रहता, और साथ ही में पारिवारिक समस्याएं भी देखने को मिल रही है, परिवार में भी बहुत सारी समस्या है, तो वो चाहती इसका निवारण कैसे और क्या करना चाहिए। करुणा जी का कैसा है, पिछले 2.5 साल से इनको बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी झेल रहे हैं, और इनको ना काम काज में इनको आराम है, ना तबीयत के चलते आराम है, ना घर गृहस्थी में इनको आराम है। अच्छा करने के बाद भी इनको कुछ ना कुछ उसमें न्यूनता बुराई सुनने को मिलता है करुणा जी को। इनको क्या करना है, शनिवार का उपवास करें हो सके तो, और अगर उपवास नहीं होता है तो शनिवार के दिन शनि चालीसा हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ें, और हो सके तो पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दिया अवश्य जलाए शनिवार के शाम को 6-7 बजे के करीब। तो देखो इनके कष्ट जो है परेशानियां कम होंगे, और इनका काम काज गृहस्थी जो भी परेशानी हो वो व्यवस्थित चलेगा। इनको जरूरी है शनिदेव का जाप करना शनि मंत्र का, और हनुमान चालीसा का पाठ करना शनि चालीसा का पाठ करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इनके लिए और आने वाला 1 साल यानी 2022 है वो थोड़ा बहुत कठिन जाएगा, इनके लिए परेशानी जाएगा, पेट में परेशानी, इनको तबियत संबंधित परेशानी है, पैसे का परेशानी है, घर गृहस्थी में ये बोलते कुछ हैं, लोग समझते कुछ हैं, तो ये सारे कंफ्यूजन बहुत झेल रही हैं पिछले 2.5 साल से, और 1 साल इनको ये परेशानी है। अगर मैंने बोला वो करेंगे तो उनको काफी आराम पड़ेगा इन चीजों में। अच्छा करुणा जी, ये था आपके सवाल का जवाब, और कहीं ना कहीं आचार्य जी ने निदान भी इसका बताया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल है अंकित वैद्य की ओर से। इनका सवाल है कि मतलब इनकी जन्म तारीख है 2/8/1994। हाँ जी, और इनका सवाल है कि इनकी शादी कब होगी, मतलब शादी की योग इनके कब बनते हैं। हाँ जी, देखिए इनका है वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए अभी फिलहाल गुरुबल चालू नहीं हुआ है। अगर शादी अगर आप प्रोसीजर में है, प्रोसीजर देखते रहो, अच्छी लड़की मिलेगी आपको। अपने गुस्से पे नियंत्रण रखें, अपने जज्बातों पे नियंत्रण रखें, सही रहेगा आपके लिए। और हो सके तो क्या करना है, अपने गुरुवार के दिन गुरु के मंदिर जाकर आइए, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर आइए, और हो सके तो गुड़ वाला चावल बना के मंगलवार के दिन गरीब बच्चों में दान कराइए। और रही बात शादी की, बात अप्रैल के बाद आपके शादी जोड़ने के पूरे पूरे योग बनते हैं, ये अप्रैल से लेके यानी 2023 अप्रैल के 22 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल के बीच में आपकी शादी होके रहेगी अगर आपकी तैयारी है तो। और इसके बाद सवाल है लक्ष्मण अटकरी जी, इनका इनका सवाल मतलब इनकी जन्म तारीख है 27/10/1956। और इनका सवाल, एक्चुअली इन्हें पैरालिसिस हो चुका है, और पिछले 1 साल पहले उन्हें पैरालिसिस हुआ, उसके बाद वो खा भी नहीं सक रहे, मतलब खड़े भी नहीं हो सक रहे, और कोई काम भी नहीं कर सक रहे, बात भी नहीं कर सक रहे, तो वो सारी चीजें कैसे ठीक होगी। नाम क्या बने, लक्ष्मण, लक्ष्मण अटकरी जी। लक्ष्मण अटकरी जी के देखिए कैसा है, थोड़ा सा इन्होंने अपने तबीयत पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आने वाला ऐसा मैं बात डरने वाली नहीं है या फिर कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन आने वाला 2-3 साल इनके लिए थोड़ा कठिनाइयां भरी रहेंगी तबीयत को लेके, काम काज को लेके। ठीक है, तो इनके लिए कैसा है, वो पैरालिसिस अटैक जो हुआ है उसके लिए कैसा, शनिदेव का अगर देखो अभी पैरालिसिस हुआ तो कोई इंसान जा नहीं सकते बाहर, घर में बैठे बैठे ही शनिदेव का जाप करे, उड़द की दाल भिगाकर थोड़ा सा गुड़ डालकर गैया को खिलाए शनिवार के दिन सवेरे, और अगर कुत्ता पाला है घर में, कुत्तों को रोटी खिलाए नहीं है तो हाथ लगा दे रोटी को, बाहर जाके गली अपने रस्ते के गली के कुत्ते को खिला सकते हैं शनिवार के दिन, इससे इनको आराम पड़ेगा। और खट्टी चीजें सारी बंद कर दे, रात को इन्होंने समझो खट्टा नहीं खाना चाहिए, कड़ी नहीं खाना चाहिए,
और ठंडे पानी से ऐसे जिनको भी ऐसा अटैक होता है उन्होंने तो रात को बिल्कुल ठंडे पानी से नहाना नहीं चाहिए, दिन में भी नहीं नहाना चाहिए, ठीक है। लहसुन का सेवन ज्यादा करें, इससे इनको फायदा रहेगा। और हो सके तो क्या करना है इन्होंने, गुरुवार के दिन से ले शुरू करें, निरंतर गुरुवार के दिन से थोड़ा सा नमक थोड़ा सा हल्दी पानी में डालकर नहाना शुरू करें, तो इससे इनको काफी आराम मिलेगा। अगला सवाल और हमारा आज का आखिरी सवाल अभिषेक पानसी की ओर से है। 21/11/85 इनकी जन्म तारीख है। 21/11/85 हाँ जी। और इनका सवाल है आर्थिक स्थिति के बारे में ही अपनी जानना चाहते, इसमें सुधार कैसा होगा इस बारे में जानना चाहते। देखिए इन साहब को कैसा है, अभी उतना टाइम खास नहीं है, टाइम सही नहीं है इनका, ठीक है। इनको परेशानी है, कामकाज बराबर नहीं हो रहा है, जिसमें हाथ डालते उसमें इनको फायदा नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो इनका आर्थिक स्थिति ठीक होने के लिए इन्होंने जो अपने घर में कुत्ता पाला है तो कुत्ते को रोटी डालें और हनुमान जी का पूजा करें, भगवान भैरव के मंदिर में जाए दर्शन करें, और सबसे जरूरी है इनको पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दिया लगाए, इनके लिए अच्छा रहेगा। और भी कुछ विशेष करना है तो हनुमान जी के मंदिर में मीठे बूंदी का प्रसाद जरूर चढ़ाए मंगलवार के दिन, इससे इनका आर्थिक परिस्थिति जरूर अच्छा होगा। और इनके लिए अभी फिलहाल के लिए उतना प्रॉमिसिंग नहीं है, टाइम अच्छा नहीं है। जैसा अपना अप्रैल का माह आएगा, अप्रैल का माह शुरू होएगा ना, अप्रैल का महीना शुरू होएगा, इनके लिए खुशखबरी आना चालू होगा, इनके रुके हुए काम बनेंगे, फाइनेंसेस जो अटके पड़े हैं वो काम बनेंगे, इनका कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेचना करना लेना करना जो भी है वो भी काम सिद्ध होगा इनके लिए। अच्छा, तो ये था हमारा आज का सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। फिर एक बार सभी दर्शकों को एक निवेदन करना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप सवाल भेजते हैं उसमें अपनी जन्म तारीख के साथ जन्म समय जो है वो आवश्यक तौर पे भेजें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ये आचार्य जी को मदद करती है, साथ ही आपके जितने भी सवाल है उनका सटीक जवाब जो है आचार्य जी इसकी वजह से दे सकेंगे। और हमारे ये जो प्रश्न उत्तर का सिलसिला है ये आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे फिर एक बार एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार। बेशक सभी का किस्मत एक जैसा नहीं होता है, लेकिन एक टैरो कार्ड किस्मत बदलने में सहायक हो सकता है। एक सही मार्गदर्शन हमारे भविष्य को उज्जवल बना सकता है। जानिए ओशो टैरो कार्ड के द्वारा किस्मत कनेक्शन और ओशो टैरो कार्ड के मार्गदर्शन मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ बीसीएन न्यूज़ चैनल पर।